अमरनाथ धाम एक ऐसी जगह जहां पर आपको एक साथ कई तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का लाभ प्राप्त होता है। यहां पर आपको भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर और गुफा, सीताराम मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, शिव पार्वती मंदिर, एक छोटा बांध, प्राचीन कुंड, सम्राट अशोक के शिलालेख, ऊंची ऊंची विशाल चट्टानें, एक बड़ा तालाब, भगवान शिव की एक अद्भुत प्रतिमा जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आपको एक साथ एक ही जगह पर इन सभी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह जगह धार्मिक होने के साथ साथ प्राकृतिक खूबसूरती से भी भरी हुई है। ये जगह बहुत ही सुंदर और शांत है। रूपनाथ धाम मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको तीन कुंड देखने को मिलेंगे, जिन्हें राम कुंड, सीता कुंड एवं लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थल पर भगवान भोलेनाथ की बारात ठहरी हुई थी। उसी दौरान बारातियों की प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर इन तीन कुंडों का निर्माण किया गया। ये तीनों कुंड एक दूसरे के ऊपर बने हुए हैं। सबसे निचले कुंड को लक्ष्मण कुंड, बीच वाले कुंड को सीता कुंड एवं सबसे ऊपर वाले कुंड को राम कुंड के नाम से जाना जाता है। इन कुंडों की विशेषता ये है कि इन कुंडों में 12 महीने स्वच्छ पानी भरा रहता है। अगर आप बरसात के मौसम में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक झरना भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनके ऊपर से ये झरना बहता है, जिसका पानी कुंड में आता है। ये दृश्य बेहद ही सुंदर होता है। यहाँ पर आपको एक विशाल तालाब भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुराने समय का एक कुआं भी बना हुआ है। रूपनाथ धाम मंदिर के ऊपर जो चट्टाने हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक बांध देखने को मिलेगा। ये बांध गर्मी में सूख जाता है, मगर बरसात में इस बांध का नज़ारा बहुत ज़्यादा मनोरम होता है। बरसात में ये बांध पानी से लबालब भर जाता है। आपको दूर दूर तक नीला पानी देखने को मिलेगा। रूपनाथ धाम धार्मिक एवं ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस स्थल पर आपको भगवान शिव का प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें से एक गुफा निकलती है। इस गुफा के बारे में लोगों का मानना है कि इस गुफा में भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए छुपे थे। इस गुफा के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गुफा रूपधाम से दमोह जिले में स्थित बंदकपुर तक जाती है। इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शिव का एक अन्य मंदिर भी स्थित है, जो बेहद ही खूबसूरत है। इस स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती कई दिनों तक ठहरे थे, इसीलिए इस जगह को रूपनाथ धाम कहते हैं। यह लोगों की आस्था का मुख्य केंद्र है। रूपनाथ धाम में भगवान शिव की पंचलिंगी प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा एक अनोखी प्रतिमा है जो आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और कहीं ऐसी प्रतिमा उपलब्ध नहीं है। ये प्रतिमा एक पत्थर पर बनी हुई है। इस स्थान पर एक 3 मंजिल की इमारत है। इस इमारत में भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर, श्री राधा कृष्ण का मंदिर और श्री राम सीता का मंदिर है। इस स्थान पर सम्राट अशोक का शिलालेख पाया गया है, जो पत्थर पर एक अनोखी लिपि से उकेरा गया है। आपको ये शिलालेख हिंदी उच्चारण में भी देखने को मिलेंगे। रूपनाथ धाम में प्रतिवर्ष 14 जनवरी से एक सप्ताह का मेला लगता है। ये मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। श्रावण मास में लोग यहाँ विशेष रूप से
भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। रूपनाथ धाम घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। आप यहाँ पर अपने दोस्तों और परिवार के साथ आ सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, साथ ही हृदय में शांति का अनुभव होगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।